हेलो 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 एडिटर्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज, अपने चैनल सीक्रेट एडिटर पे 7000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गाइज, थैंक यू सो मच आपके लव एंड सपोर्ट के लिए। तो आप इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहिएगा और गाइज, मैं इसी तरह की नई नई अमेजिंग सी वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा। तो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपने प्रीव्यू में देख ही लिया है कि वीडियो कैसी होने वाली है। तो गाइज, मैं इस पे वीडियो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये यूट्यूब पे काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। गाइज, ये इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा लोग अपनी शॉर्ट्स में यूज़ कर रहे हैं इस वीडियो को एडिट करने के लिए। और गाइज, मैंने ये भी देखा है कि उनकी शॉर्ट्स पे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, इसीलिए गाइज मैं इस इफेक्ट पे वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि ये इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा इसी तरह के अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। और हाँ गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे लेके आऊँ। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। तो गाइस, आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाना है और अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। गाइस, अलाइट मोशन का प्रो वर्जन मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से अगर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, अलाइट मोशन ओपन करने के बाद आपको नीचे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से अपना रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेना है, जितना भी आपको अपना रेजोल्यूशन रखना है। उसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया पर आ जाना है और यहाँ से अपनी वो वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिसको आपको एडिट करना है। तो गाइस, वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी वीडियो पे क्लिक करना है, इफेक्ट के ऑप्शन पे आ जाना है, ऐड इफेक्ट पे आना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है चैनल रिमैप। तो गाइस, आपको चैनल रिमैप RGB मिल जाएगा, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं चैनल रिमैप RGBA होगा, इसको गाइस RYYA कर लेना है। तो चैनल रिमैप को RYYA करने के बाद आपको सिंपली बैक कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। गाइस, सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस को भी स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सैचुरेशन वाइब्रेंस पे क्लिक करना है और सैचुरेशन को बढ़ा के 100% कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली बैक कर लेना है। उसके बाद आपको प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेना है, उसको फुल स्क्रीन पे अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इफेक्ट के ऑप्शन पे आ जाना है, ऐड इफेक्ट पे आना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है कॉपी बैकग्राउंड। गाइस, कॉपी बैकग्राउंड मिल जाएगा, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपको फिर से ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है सिंपल। तो गाइस, आपको सिंपल स्टार फील्ड मिल जाएगा, इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर लीजिएगा। इतना करने के बाद गाइस, इसको एडजस्ट नहीं करना है, इसको एडजस्ट हम वीडियो के एंड में करेंगे, तो इसको आपको सिंपली बैक कर लेना है। इसके बाद आपको फिर से प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेना है, उसको फुल स्क्रीन पे अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इफेक्ट के ऑप्शन पे आना है, ऐड इफेक्ट पे आना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है कॉपी बैकग्राउंड। तो गाइस, कॉपी बैकग्राउंड, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपको फिर से ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है बॉक्स ब्लर। तो गाइस, आपको सेकंड नंबर पे दिख जाएगा बॉक्स ब्लर, आपको बॉक्स ब्लर पे क्लिक करना है, इसको भी स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर लेना है। इतना करने के बाद आपको बॉक्स ब्लर पे क्लिक करना है और गाइस, बॉक्स ब्लर को आपको 0.200 तक कर लेना है। गाइस, बॉक्स ब्लर को 0.200 करने के बाद सिंपली बैक कर लेना है। आपको फिर से ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है एक्सपोजर एंड गामा। तो गाइस, आपको एक्सपोजर एंड गामा मिल जाएगा, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे अप्लाई कर लीजिएगा। इसके बाद आपको एक्सपोजर गामा पे क्लिक करना है, एक्सपोजर को आपको -0.63 तक कर लेना है। गाइस, एक्सपोजर का 0.63 करने के बाद आपको गामा पे क्लिक करना है और गामा को आपको 725 कर लेना है। 725 करने के बाद इसको सिंपली नीचे आपको आ जाना है, ऑफसेट आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑफसेट पे क्लिक करना है, ऑफसेट को आपको -0.03 कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपली बैक कर लेना है। उसके बाद गाइस, आपको रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के ऑप्शन पे आ जाना है और नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको डिफरेंस का ऑप्शन मिलेगा, आपको डिफरेंस पे क्लिक करना है और सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो गाइस, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपकी वीडियो को जिस तरीके की हो जाएगी। तो गाइस, इतना करने के बाद आपको फिर से प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेना है, उसको फुल स्क्रीन पे अप्लाई कर लीजिएगा और गाइस, नीचे आपको कलर एंड फिल का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक करना है, उसको सिंपली वाइट कर लीजिएगा। इसको वाइट करने के बाद आपको बैक करना है, रेक्टेंगल पे अपने क्लिक कर लीजिएगा, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के ऑप्शन पे आ जाना है और गाइस, नीचे आप स्क्रॉल करेंगे आपको कॉन्ट्रास्ट दिख जाएगा, आपको कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करना है और गाइस, सिंपली इसको ओवरले कर देना है। गाइस, इसको ओवरले करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी वीडियो को इस तरीके की दिखने लगेगी। तो गाइस, इतना करने के बाद आपको तीनों अपने रेक्टेंगल्स को सेलेक्ट करना है और वीडियो के एंड में आ जाना है और गाइस, लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इससे आपकी फुल वीडियो पे इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, इसको आपको कर लेना है, सिंपली इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको रेक्टेंगल फर्स्ट पे क्लिक करना है, इफेक्ट के ऑप्शन पे आ जाना है। उसके बाद गाइस, आपको सिंपल स्टार फील्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे
प्लस ऐड कर देना है। गाइस प्लस ऐड करने के बाद आपको वीडियो के एंड में आ जाना है, उसके बाद इसकी पोजीशन को आपको बढ़ाकर 900 तक कर देना है। गाइस पोजीशन को 900 कर देंगे तो इससे इस जो स्टार फील्ड होगी वो मूव होने लगेगी, उसके बाद आपको सिंपली बैक कर लेना है। तो गाइस आपकी वीडियो बनके रेडी है, मैं आपको एक बार आपकी वीडियो दिखा देता हूँ कि वीडियो बनके आपकी रेडी हो जाएगी तो किस तरीके की लगने लगेगी। गाइस आप देख सकते हैं आपकी वीडियो पे इफेक्ट लगने के बाद आपकी वीडियो को जिस तरीके की हो जाएगी। इसके बाद आपको सिंपली ऊपर गाइस सेटिंग ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से अपने रेजोल्यूशन अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली बैक करना है, उसके बगल में आपको सेव का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको सेव पे क्लिक करना है और सिंपली एक्सपोर्ट पे लगा देना है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा इसी तरह के अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। और हाँ गाइस कमेंट में जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।